हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी से, भारतीय संविधान से। और जब भी आप भारतीय संविधान या पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे आप पहले पढ़ते हैं कुछ कानून के बारे में। वो कानून जो 1773 से 1853 तक ब्रिटिश रूल के तहत पास किए गए थे, उन कानून के बारे में मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और आप बोल सकते हैं बहुत ही दमदार क्वेश्चंस यहां पर लेकर आया हूं। एक चीज याद रखिएगा, जैसे शीशा बदलने से शक्ल नहीं बदलती, उसी प्रकार एग्जाम का नाम बदलने से उसका कंटेंट नहीं बदलता। तो आप इस चीज को ध्यान में रख के तैयारी करें। ये क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या फिर CGL हो या फिर दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड। तो ऑल ओवर इंडिया में जितने एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। 10 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस कम जरूर हैं, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर दम बड़ा तकड़ा है। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंग्लिश में है, हिंदी में मैं चीजें आपको पहले ही करा चुका हूं और बहुत सारी वीडियोस हैं हिंदी में, आप देख सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश वालों को ध्यान में रखते हुए आज इंग्लिश का क्लास है और बाकी सारी क्लासेस भी धीरे धीरे ट्रैक पर आएगी। पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपली ओवर ट्रेड इन इंडिया। तो वो कौन सा कानून था ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपली को, जो ट्रेड कर रहा था भारत में, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 या फिर नन ऑफ द अबव। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। जिन बच्चों को जवाब पता है वो जवाब जरूर दे। तो करेक्ट आंसर होगा इसका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो आप बोल सकते हैं कंपनी जो ट्रेड कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो है ट्रेड जो इंडिया में उसके जो अधिकार थे उसको किसने अबोलिश कर दिया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो करेक्ट आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। तो किस कानून के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल को यह अधिकार मिला कि वो बजट को डिस्कस कर सकती है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था भारत का उसको यह अधिकार मिला कि वो बजट को डिस्कस कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। जैसा कि मैंने पहले बताया, आईना बदलने से शक्ल नहीं बदलती, उसी प्रकार एग्जाम का नाम बदलने से उसके अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का कंटेंट नहीं बदलेगा। तो हर एक क्वेश्चंस के लिए, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाता। करेक्ट आंसर बोलिएगा कि वो कौन सा कानून था जिसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को बनाने की आप बोल सकते हैं प्रोविजन लाया गया, मंजूरी दी गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। आपका सही जवाब क्या है कमेंट करके जरूर बताएं और इन 10 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहेगा आप ये भी कमेंट करके बताएंगे। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये बोला गया कि एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा जो कहां पर बनेगा, कलकत्ता में बनेगा, और उसके जो पहले चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे जो थे ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के जो कलकत्ता में बना था 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। तो फेडरल कोर्ट जो भारत में बना वो किस एक्ट के तहत बना था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या नन ऑफ द अबव। बताइएगा फेडरल कोर्ट इन इंडिया वो किस एक्ट के तहत बना। तो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो फेडरल कोर्ट इन इंडिया बना था वो बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। किसके तहत, जो
भारत सरकार का अधिनियम था 1935, उसके तहत बना था फेडरल कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस गायर, सर मॉरिस MAURIC, सर मॉरिस गायर GWYER, तो सर मॉरिस गायर जो थे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। फेडरल कोर्ट इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, किस ईयर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ, और कब हुआ, 1937 में ये बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, किस साल, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना, लेकिन किस साल में बनकर तैयार हुआ, 1937। तो करेक्ट आंसर होगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मैं आपको अब पॉलिटी जो है टॉपिक वाइज कराऊंगा, हर रोज 10-10, 20-20 क्वेश्चन, और चीजों को बताते हुए जैसे मैं आज बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपको मैच करना है किसके तहत, किस कानून के तहत क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके तहत हुआ, सेकेंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसके तहत बना, थर्ड परमिशन ऑफ इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, एंड फोर्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ लो मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा गया था, UPPCS के प्री एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, CGL में भी काफी बार पूछा गया है, लेकिन CGL में अलग अलग पूछा है। तो सबसे पहले बात करें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हुआ वो किसके तहत हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सेकेंड, फर्स्ट मैच होगा सेकेंड से, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अभी मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के तहत बना था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में, एलिजा एम पे जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो करेक्ट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, जो इंग्लिश मिशनरीज थे उनको मंजूरी दी गई भारत में काम करने के तहत, ये किसके तहत था, तो ये था चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो इंग्लिश मिशनरीज थे वो भारत में काम कर पाए। और अगला फोर्थ ऑप्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ लो मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, ये आया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत, जो लो मेंबर थे गवर्नर जनरल काउंसिल के उनका अपॉइंटमेंट्स हुआ चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हुआ, पहला था एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सुप्रीम कोर्ट बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, जो परमिशन मिली इंग्लिश मिशनरीज को काम करने के लिए वो 1813 चार्टर एक्ट के तहत मिली, और जो लो मेंबर्स का अपॉइंटमेंट्स किया गया वो किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन द कॉन्टेक्स्ट टू इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ दायरची रेफर्स टू, तो दायरची का यहां पर मतलब पूछा गया है कि दायरची का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस, सेकंड इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, थर्ड हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर्स वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली, या फोर्थ डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दायरची का यहां पर मतलब है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज, तो करेक्ट आंसर होगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों का आंसर आया डी वो डी को टिक करेंगे। दोस्तों आपका स्कोर क्या रहेगा बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा, काफी दिनों बाद लाइव आए हैं, मस्त लगा कि नहीं ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स दायरची वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल, तो जो दायरची को इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल लेवल पर वो किस कानून के तहत इंट्रोड्यूस किया गया, एक्ट ऑफ 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो जो दायरची इंट्रोड्यूस किया गया भारत में सेंट्रल लेवल पर वो किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, तो करेक्ट आंसर होगा सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स सेट अप दायरची सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल, बताइएगा
तो किस आप एक्ट के तहत दायरची सिस्टम को सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको यही बताया है। तो करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत दायरची को भारत में लॉन्च किया गया था सेंट्रल लेवल पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद, 1909 का जो कानून था उसका संबंध किससे है? इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, सेकेंड डिसेंट्रलाइजेशन, दायरची या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 1909 का जो कानून था उसके तहत अलग क्या करे गए थे, इलेक्शन वगैरह के तहत, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन। तो करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट वन कि हिंदू और मुस्लिम्स के अलग अलग इलेक्शन और अलग अलग सीट पर वे उठेंगे, तो वो था इलेक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, कहाँ से, कानून से, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ और 1853 तक चले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हमारे एक्ट्स आए ब्रिटिश क्राउन के तहत 1858 से 1947 तक, ये सारे एक्ट अभी भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आने बाकी हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो लगा कैसा। और अभी तक ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको उसके तुरंत अपडेट्स मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सिलेक्शन आपकी मेहनत पर और आपकी लगन पर डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनती है और कितनी लगन से इस मंजिल को पाना चाहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।